गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड क्लास सेवेंथ। आज हम इसका सिलेबस देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज द टाइनी टीचर। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर। इसमें हमें आंट के बारे में स्टोरी बताई जा रही है कि वो हमें कैसे लाइफ में मतलब इंस्पायर करती हैं। वो बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत मेहनती होती हैं, ईमानदार होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 200 वेरी स्मॉल, ये हमें जो ऊपर लाइन दी हुई है ये हमें एक तरीके की समरी है जो आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हिंट दे रही है। 200 वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसमें यही बताया जा रहा है कि आंट बहुत स्मॉल होने के बावजूद भी बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक एंड रेड। मतलब बोले बहुत काइंड की होती हैं लेकिन जो आप जनरली देखते हो वो ब्लैक और रेड कलर की होती हैं। आंट्स लिव इन कम्फर्टेबल होम्स कॉल एंथिल्स, मतलब जिस घर में वो रहती है मिट्टी को खोद के उसे हम कहते हैं एंथिल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट हैव यू सीन एंड द वाइसेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जिससे आपने देखा है, और वाइसेस्ट मतलब होशियार जो है। इज इट अ द फ्लाई, वो आपसे बोला है क्या फ्लाई है, फ्लाई मतलब मक्खी। नो इजंट, वो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या मच्छर हैं। नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, वॉर्म मतलब जो कीड़े रहते हैं अर्थ में से जो निकलते हैं, नहीं वॉर्म्स भी नहीं है। नो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ना मॉस्किटो ना फ्लाई न वॉर्म्स। इट इज द आंट द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। वो कौन है, आंट हैं जो बहुत कॉमन है, जो आप देख सकते हो आपके लाइफ में स्मॉल भी होती हैं और बहुत होशियार भी होती हैं। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब अगर आप किसी आंट की स्टोरी के बारे में सुनोगे, उसके लाइफ के बारे में सुनोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको वो झूठी लगेगी। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। जो लोग हैं, कुछ लोगों ने उनको अपने घर पे एज अ पैट, जैसे हम डॉग वगैरह रखते हैं उन्होंने वैसे आंट को रखा था, और उसका वे देखा कि वो दिन में मतलब डेली उनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो क्या करती हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हमें पता है कि वो क्या क्या करती हैं, ये छोटी होने के बावजूद भी बहुत मेहनती होती हैं और इंटेलिजेंट। क्रिएचर मतलब एनिमल हैं या इंसेक्ट हैं। An ant uses its feathers or antennae to talk to other ants by passing through them. इसे ये बताया जा रहा है जो ants होती हैं, uses its feelers and antennae. जैसे ये देखिए, इसमें आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, ये उनकी feelers होती हैं और antennae होती हैं, और ये एक दूसरे से बात करने के लिए इसका यूज़ करती हैं। आप देखे होंगे कि वॉल्स पे जब चलती रहती हैं ज़मीन में तो एक दूसरे से टकरा के चलती हैं, तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए ये अपना एंटीना या फेलर्स यूज़ करती हैं। इसका मतलब होता है सेंसरी अपेंडिक्स ऑन द हैंड्स ऑफ इंसेक्ट। देखिए, इसके हेड में होता है ये, और ये दूसरे से कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए इसका यूज़ करती हैं। Watch a row of ants moving up and down the wall. आपने देखा होगा कि ants कुछ ऊपर जाती हैं कुछ नीचे जाती हैं walls में। And each ant greets all the other ants coming from the opposite direction by touching their feelers. तो इसमें ये बताया कि एक दूसरे से हाई हेलो करने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए वो जो भी अपोजिट डायरेक्शन से आंट आती रहती हैं तो उससे वो बात करने के लिए अपने फीलर्स या एंटीना का यूज़ करती हैं। आपों को ऐसा लगता है कि वो देख के नहीं चल सकते, एक दूसरे से टकरा रही, पर टकराती नहीं है वो, एक दूसरे से बात करने के लिए वो अपने एंटीना या फीलर्स का यूज़ करती हैं। तभी तक हमने ये देखा कि हमें पोएट ने बताया है कि सबसे इंटेलिजेंट वाइसेस्ट और हार्ड वर्किंग इंसेक्ट कौन है, आंट हैं। और हमने अभी ये देखा कि वो अपने फिलर्स का यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 2। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत टाइप की होती हैं आंट्स। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, उसमें से सबसे कॉमन जो आप अपने लाइफ में देखते हो वो रेड या ब्लैक होती है।
We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम उनको छोटे से देखते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी उनको तक गौर से ध्यान से नहीं देखा है. Where do they live? वो कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called nest or anthills. वो कहाँ रहती हैं? उनके घर को क्या बोलते हैं? Nest या anthills बोलते हैं. एंथल्स का एक तरीके का मतलब होता है जो अर्थ मतलब जमीन में खोद के वो अपना घर बना के रहती हैं. अ पाइल ऑफ अर्थ फॉर्म्ड बाय एंट्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. जो उनका घर होता है उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, पैसेजेस मतलब रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग. और उसमें जो कुछ रूम्स होते हैं वहाँ पे जो क्वीन एंट्स होती हैं वो एग ले करती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं. उनके लिए नर्सरीज होती है. वर्कर्स हैव देयर. नेक्स्ट पेज में आते हैं. रिजर्व क्वार्टर्स. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और मतलब जो वर्कर्स होते हैं, मतलब वर्कर्स का मतलब जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए रिजर्व क्वार्टर. रिजर्व का मतलब उनका लिए वो उस रूम में कोई नहीं जा सकता, वही जा सकते हैं, वो रिजर्व होते हैं. तो क्वार्टर्स का मतलब रूम होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और इनका काम क्या होता है? खाना ढूंढना, खाने की तलाश करना. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. और कुछ रूम ऐसे होते हैं जहाँ पे खाना स्टोर करके, जैसे आपके घर में गोडाउन होता है, गोदाम होती है, वैसे ही इनके लिए कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पे खाना स्टोर करके रखते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर्स होते हैं, जैसे जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोल्जर सैनिक लोग होते हैं, उनके लिए अलग से रूम होता है. बैरक का मतलब होता है रूम. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस एंड नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. इसमें यही बताया गया है कि सब अपना एक दूसरे का मतलब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है. जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी खाने के लिए नहीं ढूंढने जाते हैं या वो वर्कर्स के घर में रहने नहीं जाते हैं. नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रैब. जो इनमें से वर्कर होते हैं, सोल्जर होते हैं, क्लीनर जो साफ सुथरा करते हैं, वो कभी ग्रैब को मतलब छोटे छोटे बच्चों को वो कभी नहीं मारते हैं. So you see an aunt's life is very peaceful. इसलिए आपने देखा कि जो aunt की life है वो बहुत शांतिपूर्वक है. Each does its share of work intelligently and bravely. सब अपना काम बहुत ईमानदारी से intelligently करते हैं और बहादुरी से करते हैं. And never fights with other member of the group. और कभी अपने group के member से लड़ाई नहीं करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं. तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. थैंक यू.